सभी श्रोताओं का एनडीडीबी संवाद के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम राहुल आर है और एनडीडीबी आनंद में डिप्टी मैनेजर कॉपरेटिव ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं और आप सभी का इस एनडीडीबी संवाद एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है दुधारू पशुओं में हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी भीषण गर्मी का प्रकोप शुरू हो गया है। हमारे साथ साथ हमारे जानवरों के ऊपर भी गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है हमें पता है, तो ऐसे में इसका प्रबंधन किस तरह किया जाए, इसमें जानवरों का रखरखाव के लिए हम किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, इन सारे विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ एनडीडीबी के पशु पोषण विभाग से डॉक्टर चंचल और हमारे पशु स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर उमेश हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं। ये दोनों इस सत्र को आगे ले जाएंगे। तो शुरू करेंगे डॉक्टर उमेश से जो कि ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमेश, आपका स्वागत है और कृपया आप इस सत्र को आगे ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राहुल जी, डॉक्टर चंचल साहब और सभी हमारे श्रोतागण पार्टिसिपेंट। मैं डॉक्टर उमेश कुमार त्रिपाठी, पशु स्वास्थ्य विभाग। आप सभी लोगों का एक बार इस श्रृंखला में जो हम लोग संवाद के माध्यम से करते हैं और समय समय पर जो भी समस्याएं मौसम के हिसाब से या किसी बीमारी के आउटब्रेक के हिसाब से हम उस पे करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा विषय और तुरंत जिसके बारे में हम कोई एक्शन लेना चाहिए ऐसा विषय है। जैसे आप देख रहे होंगे, पहले के महीनों में तापमान एक सामान्यतः जो है अनुकूल तापमान जो होता है पशुओं के लिए, अनुकूल तापमान कितना होता है? लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा कम ज्यादा। तो वो उस स्थिति में पशुओं को ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो जब ये तापमान अचानक से घटता है या बढ़ता है, तो उन दोनों ही स्थिति में जो पशुओं के अंदर या किसी भी जीवित प्राणी हो चाहे जीव हो, उसके अंदर एक उसको व्यवस्थित करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए एक सेंटर होता है, थर्मोरेगुलेशन का सेंटर होता है और वो उस को ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे आप अभी आपके पहले आप कम तापमान रहता है तो आप आराम से बिना पंखे के भी रह सकते हैं, बिना कूलर के भी रह सकते हैं। क्यों, पंखे की जरूरत क्यों होती है या फिर कूलर की जरूरत क्यों होती है, एयर कंडीशनर की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें वो तापमान सूट नहीं करता। प्रबंधन इसका कैसे कर सकते हैं, क्या हीट स्ट्रेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्या उसके लक्षण होते हैं, अभी बहुत सारे हमारे श्रोतागण बीच बीच में आते जा रहे हैं और उनका जो है रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो जी अभी भी तो दूसरी, जब हम देखेंगे कि थर्मोरेगुलेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण शरीर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है जिससे हम अपने वातावरण के तापमान को, अगर वो कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से अपने शरीर के तापमान को या उसको अपने आप को ढालने के लिए शरीर कोशिश करता है, उसे थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। वो किन चीजों पे निर्भर करता है? पहला तो वातावरण का तापमान और जो है उसकी ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो आर्द्रता होती है वातावरण में, जो नमी की मात्रा होती है। तो जब तापमान बढ़ता है तो उसको हम कैसे, उस शरीर कैसे रिएक्ट करता है और हमें कैसे उसको मैनेज करना चाहिए पशुओं के लिए, और क्या क्या चीजें प्रभावित होती हैं? सभी कुछ चीजें प्रभावित होती है, चाहे उसका दूध का उत्पादन हो, चाहे उसका पाचन क्रिया हो, चाहे उसका और सारी चीजें हो, वो सारी प्रभावित होती हैं। तो उन सारे विषयों पे हम एक बार चर्चा करेंगे और देखेंगे कैसे उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, तो जी धन्यवाद। तो पहले हम देखें कि हीट स्ट्रेस क्या है। उच्च तापमान से संबंधित तनाव को इंगित करता है। मवेशियों में थर्मो रेगुलेटरी परिवर्तन परतनों को प्रेरित करता है। अत्यधिक गर्म आर्द्र गर्म शुष्क मौसम के दौरान पसीने और हांफने से गर्मी को दूर करने के लिए मवेशियों को थर्मो रेगुलेटरी जो
सेंटर रहता है उस पे ज्यादा स्ट्रेस होता है उसको, और गर्मी को के तनाव को इसी को कहते हैं। ठीक है, जब बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो हीट स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि शरीर को ठंडा रखने के लिए पशु तेजी से सांस लेता है, पल्स भी बढ़ जाती है और भोजन का सेवन भी कम हो जाता है और पानी का सेवन बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। तो देखिए, एक इसको हम एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं जिसमें कैसे प्रभाव डालता है जब तापमान बढ़ जाता है तो। ठीक है, शरीर से भी गर्मी निकलती है और वातावरण भी गर्म होता है, तो उसको इस तरह से आप एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें दिखाया गया है एक टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, आप जो देख रहे होंगे उसके कम्बिनेशन का, जैसे आप तापमान कम है ह्यूमिडिटी ज्यादा है या ह्यूमिडिटी कम है तापमान ज्यादा है, तो कहाँ पे वो कौन सा उसके लिए कंफर्टेबल है। तो ये ग्रीन वाला जो दिख रहा है आपको चार्ट में, वो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कम्बिनेशन है वो पशुओं को आरामदायक होता है, यानी कि उसमें पशु कंफर्टेबल रहते हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें कोशिश करना है कि हम जो पशुशाला है या पशुओं को जहां हम रखते हैं उसका तापमान और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस रेंज में रहे। अगर तापमान बढ़ रहा है तो ह्यूमिडिटी को भी कम रखना चाहिए। तापमान जैसे अभी देखें इसमें, तो हीट स्ट्रेस और हाइपरथर्मिया क्या होता है। ठीक है, जैसा आप जानते हैं कि विदेशी नस्ल के जो संकर नस्ल या विदेशी नस्ल के जो पशु होते हैं, जैसे हम होलिस्टीन फ्रीजियन जर्सी या फिर और कोई भी पशु जो होता है, उसको ज्यादा ठंडा तापमान यानी कि कम तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसके लिए अनुकूल होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं देसी पशु, यानी कि जिसमें हमारी गिर हो गई, हरियाणा हो गई, इस तरह की बहुत सारी गायें हैं और भैंस भी, जो कि जिनको हम लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उनको बिना किसी परेशानी के रख सकते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में हम अगर हमारे पास HF है या जर्सी क्रॉस ब्रेड है, इन स्थितियों में हमें अपने पशुशाला या एनिमल शेड की जो तापमान उसको बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत पड़ती है। यदि आपके देसी पशु हैं तो वो ज्यादा तापमान को बर्दाश्त कर सकते हैं और उनमें वो उत्पादन एवं उनका शारीरिक क्रिया प्रभावित कम होता है। ठीक, हाइपरथर्मिया क्या होता है, हाइपरथर्मिया एक ऐसा, हाँ ठीक है, गर्मी में तनाव से जुड़े हुए परिवर्तनों को से उत्पादन में कमी होती है, प्रजनन क्षमता, यानी कि अगर आप कंटिन्यूअस कोई पशु है जो गर्मी में रह रहा है, हीट स्ट्रेस में रह रहा है, तो वो उसमें रिप्रोडक्शन भी प्रभावित होता हो जाता है। जैसे आज का दूध का उत्पादन है, उसी तरह से इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप देखते हैं भैंसों में। अगर कोई, बहुत सारे ऐसे देसी नस्ल के भैंसे हैं जो गर्मी पड़ते ही हीट में आना बंद कर देती हैं, उसको जैसे मुर्रा है या फिर आपका कोई भी है, तो ये पूरे 6 महीने जो गर्मी वाले रहते हैं, हीट वाले रहते हैं, उसमें वो हीट में नहीं आते हैं, या लक्षण भी आएंगे हीट के तो बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, जैसा अभी कोई गर्मी का दिन है तो कोई पशु भैंस है तो वो बहुत कम समय के लिए हीट में आती है। आप जानते होंगे कि एक पशु का हीट का चक्र, ईस्टर साइकिल का चक्र लगभग 36 घंटे का होता है, लेकिन गर्मियों के दिन में अगर कोई पशु हीट में आता है तो उसका जो है अवधि कम हो जाता है, यानी कि वो लगभग 12 घंटे तक हीट में रहेगा, और उसके हीट कम हो जाने के या हीट खत्म हो जाने के बाद अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो इस स्थिति में वो पशु गाभण नहीं होता, तो ये सारी समस्याएं आ जाती हैं। ओके, ठीक है, जैसा हमने अभी पहले भी बताया कि जो आपके पास संकर नस्ल है या फिर देसी नस्ल है, तो संकर नस्ल या देसी नस्ल में कौन सी
गायें हैं जो ज्यादा हीट टॉलरेंट होती है, थर्मो टॉलरेंट होती है, तो उसमें देसी नस्ल की गायें ज्यादा हीट टॉलरेंट होती हैं। अब अगर भैंसों की बात करें तो जैसा जानते हैं आप, इनकी त्वचा काली होती है और इनके शरीर पे जो है बाल की भी संख्या कम होती है, इस वजह से ज्यादातर ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने से क्या होता है कि अगर ये धूप में है तो इनका तापमान जल्दी से बढ़ता है, तो इस स्थिति में इन्हें हीट स्ट्रेस ज्यादा होता है। ठीक है, तो उस समय क्या करना चाहिए, भैंसों को हीट स्ट्रेस से बचाने का ज्यादा हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो जो इनको कई तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, जब हम कहीं कभी किसी भी गर्मी के क्षेत्र में अगर इवेपोरेशन ज्यादा होता है, शरीर से नमी का लॉस ज्यादा होता है, तब भी उनको नुकसान होता है। ठीक है, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या लक्षण है, हीट स्ट्रेस के क्या लक्षण है। तो सबसे पहला ये लक्षण है कि पशुओं में जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो तेज हो जाती है। उससे क्या होगा, तो जल्दी जल्दी सांस लेंगे। क्यों? क्योंकि श्वास के द्वारा वो पानी का वाष्पीकरण करते हैं और शरीर को थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो फेफड़े में होता है उसकी वजह से वो उसको हवा को ठंडा करते हैं और तापमान को भी वो ठंडा करते हैं। इस नाते रिस्पिरेशन ज्यादा हो जाएगा और जल्दी जल्दी जब सांस लेंगे तो वो सांस उतना ज्यादा ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा नहीं, उतनी हवा नहीं जाएगी। और जैसे हम कभी भी धूप में या कभी दौड़ के आते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और उस स्थिति में हम उतना ऑक्सीजन या उतनी हवा अंदर नहीं ले जाते, थोड़ी सी लेते हैं और फिर उसको जल्दी निकाल देते हैं, तो ऑक्सीजन की भी कमी हो सकती है और इसकी वजह से जो है पल्स नाड़ी तेजी से चलेगा। ठीक है, अगर काफी समय से किसी पशु को हीट स्ट्रेस है तो उसके जो है त्वचा जो है सूख जाती है। आपने देखा होगा जो भी पशुपालक हमारे राजस्थान के या फिर ऐसे जहाँ रेगिस्तानी इलाकों से होंगे, उनके यहाँ जो गाय या भैंस पाई जाती है उसकी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है। ठीक है, अगर देखा जाए पशु के शरीर का तापमान, हीट स्ट्रोक क्या है, एक हीट स्ट्रेस एक चीज है और एक हीट स्ट्रोक है, तो दोनों चीजों में अंतर क्या है। हाँ, हीट स्ट्रेस एक पड़ने वाला तनाव है जो कि फिजियोलॉजिकल है। अगर स्ट्रोक की बात करें तो ये पैथोलॉजिकल है, अगर डॉक्टरी टर्म में हम बोलते हैं, यानी कि अगर शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के हिसाब से बढ़ने लगे और उसका नियंत्रण न रहे तो हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। और हीट स्ट्रोक लगने से पशु या इंसान के शरीर का तापमान बढ़ने लगता है, बुखार जैसा हो जाता है। और उस स्थिति में कैसे उसको नियंत्रण करना चाहिए, पहले नंबर की चीज, इसमें जो भी बुखार वाली दवाइयां रहती है वो काम नहीं करती है, इसको वातावरण के तापमान को ही नियंत्रित करके हम इसको नियंत्रण में ला सकते हैं। अगर हम कोई इस पे दवाई देते हैं या कोई मेडिसिन देते हैं तो उसका असर कम रहता है। पशु को ऐसी जगह पे रखना चाहिए जहाँ का तापमान कम हो और पशु को ऐसा पदार्थ खाने को देना चाहिए, हरी घास देना चाहिए या ठंडा पानी देना चाहिए, जिससे वो शरीर का तापमान धीरे धीरे कम होना शुरू हो। तो अब आया बात की, अभी तो लक्षण के बारे में बात किया हमने, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, अब हम बात करते हैं इसको कैसे हम प्रबंधन किया जा सके, हीट स्ट्रेस से बचाए कैसे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ये एक जैसा नहीं है सभी के लिए, जिसको जैसी व्यवस्था है, जैसी समस्या है, उस हिसाब से हमें उसका अप्रोच करना चाहिए। यदि छोटे पशुपालक हैं जिनके पास एक या दो पशु हैं जो गर्मी से उनके पशु परेशान हैं, तो पहले सुनिश्चित करें जो उन पशुओं को हम कहाँ पे बांधते हैं। अगर हम पशुशाला में देखें या पेड़ के नीचे देखें या फिर किसी शेड में बांधते हैं, तो उस हिसाब से वहां पे क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो पहले नंबर की चीज, अगर कोई पेड़ है, छायादार वृक्ष है, तो उस पे भी हम बांध सकते हैं। अगर हमारे पास कोई अलग से व्यवस्था करने के लिए नहीं है, जैसा आप जानते होंगे बहुत सारे किसान भाई
कोई घर में पेड़ होता है, छायादार पेड़ होता है या गांव में होता है, तो उस समय पे जब ज्यादा धूप होती है तो वहां उसके नीचे बांध सकते हैं। दूसरे नंबर की चीज देखा जाता है कि बहुत सारे गांव में पशुशाला या एनिमल शेड के छत की जो धरती से या जमीन से ऊंचाई होती है वो बहुत कम रखते हैं। उससे क्या होता है कि वो जो हीटिंग इफेक्ट है, छत गर्म होता है, उसके बाद छत के अंदर की सारी जो है शेड भी गर्म हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए, पहला काम अगर आप संभव है तो नीचे छत न रखें, उसकी छत की ऊंचाई 9 फुट से ज्यादा रखें। यदि पहले से ऐसा सेट है तो उस छत शेड के ऊपर, जैसे एस्बेस्टस का शेड है, उस शेड के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप घास फूस डाल सकते हैं या फिर छप्पर जैसी चीजें उस पर डाल सकते हैं जिससे डायरेक्ट उसकी गर्मी ना हो। अब एक चीज और कर सकते हैं, जैसे आप कहीं पे खुले में पशु को आप बांधते हैं, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं कि उस समय एक ग्रीन नेट होता है। ग्रीन नेट बांधने के क्या फायदे होते हैं कि वो एक तो उसमें ग्रीन होता है तो वो छाया को करता है, दूसरे नंबर की चीज उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उससे क्या फायदा है कि जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ निकल जाती है। बहुत सारे पशुपालक भाई क्या करते हैं कि एक प्लास्टिक या किसी ऐसी चीज का छत बना देते हैं जो कि हवा के लिए बिल्कुल ही हवा को आने जाने में अवरुद्ध करती है। तो देखा गया है उस स्थिति में वातावरण के बाह्य तापमान से भी जो शेड के अंदर का तापमान है वो ज्यादा हो जाता है। तो ऐसा हमें करने से बचना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी जानकारी है, इस पे जरूर हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम कोई टेम्पररी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें हम पॉलीथीन की सीट डाल रहे हैं या फिर कुछ एस्बेस्टस डाल रहे हैं या कुछ चीजें ऐसी कर रहे हैं जो कि एकदम अपारदर्शी है, तो उस स्थिति में वो ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है और गर्म हवा वहां से निकलने की न स्थिति में अंदर का तापमान ज्यादा हो जाता है। तो कोशिश करें जो ग्रीन नेट आता है उसको लगाएं, और उससे फायदा क्या होगा कि जो गर्म हवा होगी वो बाहर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि आप और क्या विकल्प कर सकते हैं, धान की जैसे पुआल होता है तो उसको आप उसको बांध के भी डाल सकते हैं, ऐसे अगर आंधी आएगी तो उड़ सकता है उस स्थिति में धान की पुआल का एक छप्पर बना सकते हैं, उसमें रस्सी से बांध सकते हैं या बांस की कुछ ऐसी टेम्पररी चीजें करके उसको छत के ऊपर या साइड से लगा सकते हैं। एक बहुत ही उपयोगी और कारगर चीज है जिसमें हम फूस की दीवार भी लगा सकते हैं। जूट के अगर बैग होते हैं, जूट के बैग जैसे पुराने जो गेहूं के या जिसमें हम अनाज रखते थे उस तरह से जो जूट के बैग हैं उनको सील करके अपने पशुशाला के उस तरफ लगाना चाहिए जहां से हवा का जो दिशा हो उस तरफ लगाएंगे, और उस पे समय समय पर अगर पानी का छिड़काव करेंगे तो देखने को ये मिलता है कि गर्मी के दिन में इस तरह से करने पे पशुशाला ठंडा रहता है और आपके पशु जो है हीट से बचते हैं। ठीक है, अगर आपका जो शेड है वो पूरा कवर्ड है तो चारों तरफ से बंद है, तो इस स्थिति में भी आपको वहां पे वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए उसमें वेंटिलेशन के लिए 3-4 फीट पे आपको एक वेंटिलेटर लगाना चाहिए या फिर खिड़की लगानी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, यदि हम पानी का छिड़काव कैसे कर सकते हैं, अगर आपके पास कम पशु हैं तो हाथ से कर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि थोड़ा आप उसमें स्प्रिंकलर लगा सकते हैं, ब्लोअर पंखे लगा सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे कूलर भी लगा सकते हैं तो वो भी ज्यादा प्रभावी रहता है। सबसे अच्छा ये रहता है कि आप फॉगर या स्प्रिंकलर इस तरह की चीजें लगाएंगे, तो उससे क्या फायदा होता है कि कुछ समय के लिए
ऐसे ऑटोमेटिक फॉगर आते हैं जिससे कुछ समय के लिए वो चलते हैं फिर बंद हो जाते हैं, तो उससे बिजली की भी बचत होगी और आपका पशुशाला ज्यादा वहां पे नमी भी नहीं आएगी, गीला भी नहीं होगा। अगर कंटिन्यूअस चलाएंगे तो फर्श गीला हो जाएगा और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है। ठीक है, अब इसके अलावा ये तो शेड के बारे में हमने थोड़ा चर्चा किया कि हम उसको कैसे करें। बचाव के लिए पशुओं पर ऐसे पानी की बौछार आप डाल सकते हैं और जो है गर्मी से या हीट स्ट्रेस से बचने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है। इस तरह पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशली विशेष तौर पे भैंसों को गर्मी के मौसम में हीट स्ट्रेस से इस तरह बचा सकते हैं। आपके एनिमल शेड में हीट स्ट्रेस से बचने के लिए इस तरह से फॉगर का प्रयोग कर सकते हैं और वो देखिए फॉगर को चलाने के लिए एक पंप लगाया जाता है जिससे कुछ समय के अंतराल पे ये कुछ समय के लिए 20 सेकंड के लिए ये जल का छिड़काव पशुओं के ऊपर इस प्रकार से अभी देखिए अब कितना अच्छा प्रभाव है इसका। बाहर से लगभग तापमान 5 से 6 डिग्री या 7 डिग्री कम हो जाता है इस तरह से छिड़काव करने पे समय समय पे। ये ऑटोमेटिक है, इस पर टाइमर लगा हुआ है और ये अपने हिसाब से वो टाइम को सेट कर सकते हैं और वो पॉज कर सकते हैं। आप सभी लोग देख सकते होंगे एकदम जैसे बर्फ पड़ती हुई स्थिति से छिड़काव हो रहा है इसे, तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें क्या खर्चा है आपको, सिर्फ ये आपको एक पंप लगाना होता है और एक टाइमर लगाना होता है और जो है थोड़ा सा ये पाइपलाइन लगाना होता है और किसी चीज़ से ये सस्ता भी है। आप अपने पानी की टंकी से जोड़ सकते हैं, कुछ देर के लिए चलता है और फिर पुनः ये बंद हो जाता है और पानी की भी बचत होती है। अब डायरेक्ट अगर आप जूट पे डालते हैं या फिर छत पे डालते हैं ठंडा करते हैं तो उससे काफ़ी ज़्यादा पानी की भी बचत होती है और एकदम से वातानुकूलित जैसे होता है कक्ष उस तरह का अनुभव होता है। तो जिन
पशुपालक भाइयों के पास पशुओं की संख्या ज़्यादा है तो इसका उपयोग अवश्य करें। और हमारे बहुत सारे जो फार्म हैं जहाँ पे ये व्यवस्था लगाई गई है तो उन्हीं में से ये कि ये फार्म है, देखिए आप कितने आराम से सारे पशु हैं और इनका ना तो उत्पादन घटता है ना पशु तनाव में आते हैं, जो कि दिन का तापमान आप जान ही रहे होंगे इस समय लगभग 40 डिग्री के से ज़्यादा ही रह रहा है। तो बहुत ही उपयोगी है, और ये वीडियो हमने आज ही बनाया है और हमारे चाचा साहब के आदेश पे ये बनाया है और दिखाने के लिए कि तुरंत का होना चाहिए। तो बिल्कुल ही अच्छा, आप देखिए एकदम जैसे बर्फ पड़ रही है उस स्थिति में दिख रहा है। तो ऐसा करेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नीचे कीचड़ भी नहीं होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं तो थोड़ी जानकारी और देते हैं आपको। जैसे तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं और कई सारी चीजें हैं जो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा इस वीडियो को। तो बात करते हैं कि ये तो हमारा पहले सेट का मैनेजमेंट हो गया अंदर का, फिर हमने चारे के बारे में विशेष तौर पे ज्यादा चर्चा तो डॉक्टर चंचल साहब करेंगे, थोड़ा जिसे हमने इसमें डाला है तो उसमें क्या करना चाहिए, जैसे हरा चारा देना चाहिए, पानी देना चाहिए, पोटेशियम युक्त चीजें देनी चाहिए। और जैसे आप जानते होंगे कि जब तापमान बढ़ता है तो दो चीजों का लॉस होता है शरीर से, एक तो पानी का, दूसरे उसके साथ साथ जो हमारे मिनरल्स होते हैं। जैसे इंसानों को कोई कोई दिक्कत होती है तो उसमें कोई गर्मी के दिन में या किसी समस्या से उसको हम क्या करते हैं, फ्लूइड चढ़ाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ORS देते हैं या फिर ऐसा काम करते हैं। तो उसी तरह से पशुओं में हम कोशिश ये करें कि हम पानी के साथ साथ उन्हें जो जरूरी मिनरल्स होते हैं उनकी भी देने की कोशिश करें। वो कैसे होंगे, एक तो पहले आप खनिज लवण से दे सकते हैं, उसके अलावा अगर हम ताजा हरा चारा उपलब्ध कराते हैं तो उसमें पोटेशियम और बहुत सारी चीजें होती हैं जो पशु के लिए ज्यादा उपयोगी होती है। तो सुनिश्चित ये करें कि जैसे गर्मी का दिन आता है तो हरे चारे की मात्रा भी आप थोड़ी बढ़ा के दें। क्या अभी नेक्स्ट प्लीज। अगर किसी पशु को हीट स्ट्रेस है तो उसको मान लीजिए स्ट्रेस के बाद एक स्थिति होती हीट स्ट्रोक। स्ट्रेस है यानी कि वो आप मैनेजमेंट से सही कर सकते हो, लेकिन स्ट्रोक है यानी कि किसी को जैसे आप इंसानों में कहते हैं लू लग गया, उस स्थिति में क्या करते हैं उसको उपचार की जरूरत पड़ती है। तो उपचार में क्या देना चाहिए, अगर तो पानी का वाटर लॉस है, इलेक्ट्रोलाइट का है तो उसे फ्लूइड देना चाहिए या फिर कुछ इस तरह की चीजें देनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि हम खुद ना करके उसको डॉक्टर को बुलाएं, विटामिन सी जैसे बहुत ही उपयोगी होता है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो और दूसरा चीज है कि जो अगर मान लीजिए किसी पशु को लू लग गया या फिर हीट स्ट्रोक लग गया तो उस पशु को ठंडे जगह पे रह सकते हैं, फिर उसको नहला भी सकते हैं कई बार, और किसी गीले चद्दर से या फिर जूट की बोरी से उसको कवर करके फिर पंखे को चला सकते हैं जिससे शरीर का तापमान धीरे धीरे उसका कम हो। कोई पशुपालक भाई बोल कह सकता है कि क्या है, बुखार की दवाई हम दे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इस स्थिति में जो भी बुखार की दवाई है, जो भी ये यूज करते हैं एलोपैथिक, वो नहीं काम करेगी। हाँ अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो EVM वाले जो हमारे हैं इतनो वेटनरी में जो बुखार की चीजें हैं वो चीजें आप प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन आप बुखार की एलोपैथिक दवाई से ज्यादा अच्छा काम करेगी। अगर किसी पशु को हीट स्ट्रोक है तो टेम्परेचर ज्यादा है तो EVM का उपयोग करें। ओके धन्यवाद, हो गया। तो फिर इसके बाद हम डॉक्टर चंचल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे इसमें न्यूट्रिशन से रिलेटेड अगर कुछ चीजें ऐड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा सर, और उसके बाद में हम एक क्वेश्चन का सेशन ले लेंगे। वेलकम जी, डॉक्टर चंचल से रिक्वेस्ट करूंगा कि पशु पोषण संबंधी हीट स्ट्रेस के बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार,
जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने आपको बहुत सारी चीजें बताई दी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो आपके बेसिक प्रश्न है कि जो आपको आते हैं कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, जो पशु पोषण के रिलेटेड है, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे ये पिक्चर डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया था और आपको कहा था कि जानवर को 25 डिग्री जो बोलते हैं वो आइडियल टेम्परेचर होता है, जिसके अंदर पशु स्ट्रेस फील नहीं करता है, वो क्यों? आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ऐसा क्यों। देखिए स्वाभाविक है, जब भी जानवर के अंदर जितनी वो हीट एब्जॉर्ब करता है उतनी वो निकालता है, जब उसकी एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाता है निकालने से, उस कंडीशन को हीट स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो आप फोगर या स्प्रिंकलर जो भी लगाते हो, वो कोशिश करता है कि उसका जो हीट का जो रिलीज है वो बढ़ जाए, जिससे उसको स्ट्रेस में ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, किसी भाई को ये जानना है कि मुझे पता करना है कि मेरा एनिमल स्ट्रेस में है कि नहीं है, वो किसे पता करूंगा? साइड में एक जैसा इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, जैसे उसमें 32.2 लिखा हुआ है, नीचे 37 लिखा हुआ है। जो ऊपर लिखा है वो टेम्परेचर है, जो नीचे लिखा है वो ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? हवा के अंदर जो पानी की मात्रा वो कितनी है। अब देखिए, एक चार्ट बनाया हुआ है, मान लीजिए अगर 20 डिग्री टेम्परेचर है और 22% मोस्ट मतलब ह्यूमिडिटी है, तो आपको जो PHI है वो 66 हो रहा, मतलब जानवर कंफर्टेबल है। तो किस लेवल तक एनिमल कंफर्टेबल हो सकता है? जब तक 72 वैल्यू आ जाए, उसके नीचे जितना भी हो एनिमल कंफर्टेबल है। मतलब अगर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के हिसाब से अगर बात करें, तो 25 से 26 डिग्री और ह्यूमिडिटी जो है वो अराउंड 30 डिग्री तक, मैक्सिमम 40 डिग्री तक उस एनिमल को कुछ नहीं होगा। जैसे बढ़ता जाएगा वैसे आपको जानवर में हीट स्ट्रेस के सिम्टम देखने मिलेंगे। अब जैसे इंडिया में अराउंड 6 से 8 महीने, आप यूजली आपने देखा भी होगा कि बरसात के सीजन में धूप नहीं है फिर भी एनिमल हाँपता है, फिर भी उसको अनकंफर्टेबल होता है। ऐसा क्यों होता है? उस टाइम पे ह्यूमिडिटी, जो पानी हवा के अंदर जो पानी की मात्रा है, वो 90 से 100% तक चली जाती है, जिससे क्या होता है, जानवर जो पसीना करता है, पसीने में जो गर्मी होती है वो उड़ नहीं पाती है, तो जानवर को हीट उसके शरीर के अंदर ही होती है, इसलिए ह्यूमिडिटी भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना टेम्परेचर। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर THI का यूज किया जाता है कि एनिमल को किस लेवल पर स्ट्रेस होता है। अब क्या क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी डॉक्टर त्रिपाठी ने आपको बता दिया है कि जानवर को ज्यादा प्यास लगती है, गर्मी होगी तो स्वाभाविक बात है कि प्यास ज्यादा लगेगी, अधिक बार वो क्या करेगा जानवर, वो हाँपेगा, मतलब वो हाँपेगा, जीभ बाहर करेगा, मुंह किस लार गिरेगी। आपने जिनके पास संकर गाय है उनको अब ये देखने मिलता ही होगा, क्या हमेशा वो जानवर हा हा कर रहा होगा, जीवन बाहर होगी, मतलब आपको ये महसूस होगा कि जानवर को हीट स्ट्रेस शुरू हो गया। ठीक है, अब भैंस के अंदर और देसी गाय के अंदर ये जो है थोड़ा सा लेट आता है, मतलब टेम्परेचर 46-47 पहुंच जाए तब आता है, और जो संकर गाय है जैसे ही 30-32-34 शुरू होता है वो शुरू हो जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा जो मस्टाइटिस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एनिमल की जो इम्यूनिटी है वो डाउन हो जाती है। दूसरा, आप अगर उसके गोबर को देखें जानवर के, तो थोड़ा सा वो पतला होने लग जाएगा, क्यों? जानवर कोशिश करता है कि खाना कम करे, वो सूखा चारा उसे कम करता है, वो क्या करता है, हरा चारा है या अनाज है या खली है या चोकर है वो ज्यादा चीज खाएगा, जिसकी वजह से उसको एक एसिडोसिस होने की संभावना हो जाती है, जिससे उसका गोबर पतला हो जाता है, फिर वो सांस लेने में तकलीफ पड़ती है। और जब भी अगर आप इस टाइम पे जानवर के शरीर पर हाथ रखोगे तो आपको हाथ थोड़ा सा जलने जैसा फील होगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ जाता है। दूसरा, क्या कम होगा, स्वाभाविक बात है कुछ बढ़ेगा कुछ घटेगा, तो घटने में क्या है, दूध, स्वाभाविक बात है कि जो दूध 15 लीटर 12 लीटर दूध दे रहा था उसका धीरे धीरे 1 लीटर कम होगा, फिर 1.5 लीटर होगा, फिर 2 लीटर कम होगा, धीरे धीरे उसका दूध कम तो होता जाएगा। साथ ही साथ में SNF, जो संकर गाय रखते हैं उन्हें ये बहुत महसूस होता होगा कि उस टाइम पे SNF कम हो जाता है। फिर जो जानवर जैसे बफेलो के अंदर हमें सभी को पता है कि हीट में नहीं आते और प्रेग्नेंट नहीं होती, गर्मी के टाइम पे बफेलो हीट में नहीं आती, बफेलो हीट के अंदर आती है, बाकी उसके सिम्टम्स इतने बाहर नहीं आ पाते जिससे हम पहचान पाए। तो बफेलो जो फार्मिंग करते वो लोग क्या करते हैं, एक सांड रखते हैं, बफेलो सांड, जो बफेलो को पहचान सके कि वो हीट में है कि नहीं है गर्मी के टाइम पे। फिर जो हम बोलते हैं कि दूध जो है भैंस जल्दी ऊपर चढ़ा लेता है, ये भी एक गर्मी के कारण है जिस वजह से सब कुछ होता है। नेक्स्ट। ठीक है, अब ये जैसे मैंने कुछ पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अब देखिए, अगर आप जानवर को खुला छोड़ते हो तो आप देखोगे कि जानवर जो है जहाँ पे छाया वाली जगह है वहां पर सब इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है,
यूजुअली आप सर्दियों में, मतलब सर्दियों में जब पे देखेंगे तो वो सब जगह फैले हुए होंगे, बाकी गर्मियों में वो हमेशा छाव छाव वाली जगह में ही खड़े होंगे। दूसरे वाले फोटो में आपको दिख रहा कोई जानवर हाँप रहा है, लेकिन उसके मुंह से लार गिर रही है, और कभी कभी वो जीभ इतनी बाहर कर लेता है कि आपको क्या हो गया है। फिर जहां पर पानी होगा तो जानवर कोशिश करेगा पानी के पास जाओ और जितना पानी हो सके उतना मैं पीऊँ, और कभी कभी जानवर बैठेगा ही नहीं, आप उसको देखते होंगे कि यूजुअली वो 10-12 घंटे 13 घंटे बैठता है, कभी कभी वो केवल 6-7 घंटे 8 घंटे ही बैठेगा। वो भी एक इंडिकेशन, क्योंकि जमीन इतनी गर्म हो जाती है जिससे जानवर को हीट जो है उसके शरीर में चल जाता है, तो वो अवॉइड करता है बैठने को, और खाना स्वाभाविक बात है खाना कम करेगा, क्योंकि जब भी जानवर ज्यादा खाता है तो उसके शरीर में हीट प्रोडक्शन होती है, तो अगर वो खाना कम करेगा जिससे उसके शरीर में हीट का प्रोडक्शन कम हो सके, जैसे वो खाना कम करेगा स्वाभाविक बात है कि दूध वो सब कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अधिकांश लोगों का ये मानना है कि हीट स्ट्रेस में 3-4 महीने उसका इम्पैक्ट होता है, मतलब 3-4 महीने उसका फर्क पड़ता है, उसके बाद तो नॉर्मल हो जाता है। नहीं, अगर जानवर को आप जितने दिन ज्यादा रखोगे हीट स्ट्रेस के अंदर उतना उस पर लंबा इफेक्ट होगा। मान लीजिए इस बार पहली बार वेतन में उसने दूध दिया 10 लीटर, दूसरी बार स्वाभाविक है कि वो 12 से 14 लीटर जाए, अगर आपने उसको उस टाइम पे ज्यादा रखा तो 14 लीटर की जगह वो कल 12 लीटर ही पहुंच पाएगा। दूसरा, उसके जो बच्चा होगा उसका भी दूध मान लीजिए उसकी क्षमता 20 लीटर होना चाहिए, वो 18 लीटर भी पहुंच पाएगी। सिमिलरली उसके आने वाली पीढ़ी में भी वो इफेक्ट होगा। तो अगर आप जानवर को जितने ज्यादा देर पर धूप में या हाई THI में रखोगे उतना उसका इफेक्ट होता रहेगा, ठीक, और उसके गर्भाशय पे, ठीक है, और जो प्रोडक्शन पे, वो तो स्वाभाविक है कि उसका इफेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 3 तरह के हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक जो है सिंपल सामान्य प्रबंधन, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट आप बोल सकते हैं। दूसरा, खिलाने में हम क्या प्रबंधन कर सकते हैं। तीसरा, शेल्टर मैनेजमेंट, जो ऑलरेडी डॉक्टर त्रिपाठी ने आपको बात किया है, तो मैं वन बाय वन जाता हूँ। ठीक है, सामान्य प्रबंधन क्या कर सकते हैं, कोशिश कीजिए जानवर को ठंडे टाइम पे खाना दे, मतलब हो सके तो 8 बजे से पहले शाम को 6 बजे बाद, ठीक है, क्योंकि जितना गर्मी ज्यादा होगा उतना जानवर कम खाएगा, ठंडे टाइम पे आप खाना दोगे तो उतना ज्यादा खा पाएगा। दूसरा, एटलीस्ट हम एक अपने जो शेड है उसके आसपास में 3-4 पेड़ लगा दीजिए, उससे क्या होगा जो बाहर का टेम्परेचर है उससे आपको 5 डिग्री ऑटोमेटिकली शेड का कम हो जाएगा। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास जगह इतनी और हम उसमें जानवर को ठूस ठूस के भर देंगे तो जो हीट है तो पूरे उसके अंदर ही फार्म में रहेगा। तो कोशिश कीजिए जितना जानवर उसके हिसाब से, जितनी जगह उसके हिसाब से जानवर रखिए, ठीक है, हो सके तो जानवर को मिक्स करके दीजिए। जानवर क्या करेगा कि जो पशु, मतलब पशु आहार है, अनाज है, खली, वही खाने की कोशिश करेगा। सूखा चारा, हरा चारा, कुछ हद तक सूखा चारा वो अवॉइड करेगा, उससे क्या होगा उसके जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उससे जानवर बीमार जल्दी पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए सभी आइटम को, हरे चारे को, सूखे चारे को, अनाज को, खली को, सभी को मिक्स करके, जिसे हम हमारी भाषा में TMR बोलते हैं, ठीक है, उस फॉर्म में आप दिए बहुत अच्छा रहेगा। और अधिकांश फार्मर पानी तो पिलाते, भाई गलती क्या करते हैं, वो धूप में जिसका टेम्परेचर 30-40 डिग्री होगा वो टेम्परेचर में पानी पिला देते हैं, वो रख देते जानवर को, जानवर पानी नहीं पीता है। आप खुद सोचिए दूध के अंदर 80-90% पानी है, जानवर नहीं पिएगा तो दूध कैसे आएगा, ठीक है। गर्मी में जब पसीना हो रहा है, जब वो लार के थ्रू, सांस के थ्रू जब वो गर्मी निकाल रहा है, टाइम पे पानी बहुत चाहिए। उस टाइम पे अगर आपने उसको ठंडा पानी मतलब फ्रिज का पानी नहीं, नॉर्मल पानी जो 17-18 डिग्री मतलब 20 डिग्री के अंदर हो पानी, वैसा आपको पानी देना है। मतलब पानी को आप थोड़ा ढक के रखिए, अगर आपके पास पानी है तो एटलीस्ट उतना गर्म नहीं हो जाए जानवर से पानी पी ना सके। नेक्स्ट, अब खिलाने में हम क्या कर सकते हैं, पहली चीज ऐसा खिलाए जिसके अंदर कम मात्रा में ज्यादा मिले, मतलब आप 100 ग्राम खिलाए तो उसको 200 ग्राम का इफेक्ट मिले। उसके लिए बाईपास फेड आता है, जिसे हम बाईपास पूरक मेडिकल स्टोर में अवेलेबल होता है, कुछ जगह पर जो मिल्क यूनियन है, जो आपकी संघ है, वो भी प्रोवाइड करता, उसका आप यूज कर सकते हो। दूसरा, बाईपास प्रोटीन फीड, कुछ कुछ जो दूध संघ है वो ये फीड बना के बेचती है, तो उसकी कीमत 1 रुपया बढ़ता है, बाकी उसका फायदा इस टाइम पे बहुत होता है, वो सोच सकते हो। महत्वपूर्ण वाली चीज, सूखे चारे को आपको कम से कम खिलाना है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको हटा देना, कम से कम जैसे 1.5 किलो 2 किलो उतना ही आपको एक दिन में खिलाना है। अगर मान लीजिए आपके पास हरा चारा है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो एटलीस्ट आप 3-4 किलो खिला सकते हैं, बाकी कोशिश कीजिए जितना आप कम कर सके उतना अच्छा। दूसरा,
अब जानवर स्वाभाविक बात है कि जानवर जो है कंसंट्रेट, जिसे जो है दाना वाना वो ज्यादा खाएगा तो उस टाइम पे एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो आप खाने का सोडा जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है, जो भजिए में हम सब में यूज करते हैं, तो 20 से 25 ग्राम खाने का सोडा आप ऐड कर दीजिए। दूसरा एक खमीर जो से अंग्रेजी भाषा में ईस्ट बोलते हैं, बहुत सारी जगह पर मिलता है, ठीक है, वो आप थोड़ा सा 5 ग्राम 10 ग्राम जितना आप रोज खिला सकते हैं, जिससे उसका जो पेट का वातावरण है वो अच्छा होगा। दूसरा मिनरल मिक्सर, क्योंकि स्वाभाविक रूप से पसीना होगा तो उसका मिनरल का लॉसेस होगा, तो उस टाइम पे आप मिनरल मिक्सर आप दे सकते हो और विटामिन का अच्छे से खिला सकते हो। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर आपको लागत भी कम करनी है, हीट स्ट्रेस का इम्पेक्ट भी कम करना है, तो हम क्या करें, हरा चारा। आपको कोशिश करना है कि हरे चारे की उपलब्धता उस टाइम पे कर सके। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक साइलेज है, देखिए जहां पर जो फार्मर साइलेज खिलाता है वहां पर इतना इम्पेक्ट नहीं देखने मिलता है, जो फार्मर हरा चारा खिलाता है क्योंकि उस टाइम पे हरा चारा मिल नहीं पाता है तो खिला नहीं सकता, तो उससे दूध पे उससे ज्यादा इम्पेक्ट मिलता है। तो अगर आपके पास जगह है, अगर आप साइलेज कर सकते हो तो आप साइलेज कर सकते हो, तो साइलेज जो आपको 12 महीने आप खिला पाओगे, जिसकी वजह से दूध पे इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बाकी बहुत कम। दूसरा चारा चकुंदर, जो स्वाभाविक बात है कि उस टाइम पे हीट स्ट्रेस पे बहुत काम करता है, उसमें क्योंकि एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से जानवर को ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलती है। वो कोशिश कीजिए कि जो चारे का है उसमें 75% चारा रखे, मतलब 2 से 2.5 किलो जितना आप सूखा चारा, 20 से 25 किलो, अगर आपका दूध जानवर ज्यादा दूध देता है तो आप 30 किलो तक भी जा सकते हो, क्योंकि हरे चारे के अंदर 80% पानी है। अगर आप पानी कम भी पीता है तो हरे चारे से उसे 80% पानी मिल जाता है। नेक्स्ट, अब पंखे की बात हो गई है ऑलरेडी कि आपको पंखा, मतलब पंखा है, ठीक है, फोगर है। देखिए से सबसे पहली चीज, जो भी फार्म आप जहाँ पे रखते हो, एटलीस्ट ऊपर छत तो होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज कि पंखा बहुत लोग लगा लेते हैं, बाकी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, फोगर नहीं लगाते, मतलब जो पानी का छिड़काव वाला है, फोगर है, स्प्रिंकलर है, मिस्ट है, वो नहीं लगाते। उससे क्या होगा, पंखा क्या करेगा, गर्म हवा को फेंकता रहेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको जरूरी हो जाता है कि आपको फोगर होना चाहिए, पानी का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि अगर पंखा होगा तो वो रोटेशन करता रहेगा, जो गर्म पानी मतलब जो गर्म हवा है उसको रोटेशन करता रहेगा, उसके साथ में आपको स्प्रिंकलर या फोगर होना जरूरी है। नेक्स्ट, ये अलग अलग टाइप के फोटो है, आप जैसे कुछ लोग क्या करते हैं पंखे के आगे ही लगा देते हैं, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, ऊपर बैलेंस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या पंखे के आगे लगा देते हैं, जिससे पंखा घूमता रहता है और फोगर और स्प्रिंकलर का छिड़काव होता रहता है। और यूजुअली उससे देखा गया कि आप 10 से 12 डिग्री का जो डिफरेंस है आप उसको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया कि आप जो फोगर है वो लगा सकते हो, एक्चुअली ये 4 साल पुराना है, जिसके अंदर अगर आप 8 से 10 पशु के लिए 12 से 15 हजार के अंदर आप एक फोगर लगा सकते हो। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके लिए आपको 0.25 से लेकर 0.5 HP की आप मोटर चाहिए, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, फोगर जो है आधे मिनट से लेकर 3 मिनट तक चलेगा, फिर आप उसको जो हर 5 मिनट बाद, हर 7 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद, जैसे जैसे आप क्या वातावरण है उसके हिसाब से आप रिपीट कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, ऑटोमेटिक टाइमर आता है, जिसमें आप टाइम सेट करोगे तो उतना मिल चलेगा और हर उतने इंटरवल में वो शुरू होता रहेगा, तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे के अंदर 4 से 10 बार उसको जानवर पे छिड़का हो वैसा करना है। कोशिश करना है कि हमें ये चीजें जो पानी का छिड़काव हो, जो जानवर जहाँ पे खा रहा है वहां पर ना हो, उससे क्या होगा, उससे जो है जो खिलाने में फंगस ग्रो हो सकती है। मान लीजिए कुछ फार्मर क्या है कि गर्मी ज्यादा हो रही तो स्प्रिंकलर चालू ही रखते हैं, ठीक है, फोगर चालू ही रखते हैं, उससे क्या होगा, अगर वो पानी हवा से या कहीं से भी के थ्रू खिला रहे उस पर जा रहा है तो उसमें फंगस ग्रो करेगी, जो जानवर को नुकसान करेगी। तो आपको ये भी कोशिश करना है कि जो पानी है वो आपके जानवर के ऊपर ही रहे, ना कि खिलाने पे जाए, और ऐसा भी नहीं हो कि आप ज्यादा डाल देंगे तो नीचे पूरा गीला हो जाएगा, जानवर बैठ भी नहीं सकेगा, ठीक है, तो आपको ये भी अवॉइड करना है। तो आपको जितना जिसके हिसाब से एवरेज आपको लगता है कि इतना टेम्परेचर इतना ये है, आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट, सेट की बात करें, ठीक है, तो ये एक नॉर्मल शेड है, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने ऑलरेडी आपको कहा कि कितनी हाइट रखनी है, तो कम से कम 10 फुट की हाइट रखनी है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर दो जानवर के बीच में एक पानी का रखिए, अगर आप बांध के रखते हो तो आप ऐसा कर सकते हो, दो जानवर के बीच में, और चारे के लिए 4 फीट की जगह 3 फीट पानी के लिए, तो ऑन एन एवरेज एक जानवर को जो आएगा वो 5.5 बाई 10, 5.5 फुट आपकी जो विड्थ हो गई और लेंथ हो गई वो 10 फुट की, और हाइट हो गई 10 फुट की।
आपको ये हिसाब से करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है चार गाय के लिए कितनी जगह चाहिए, चार गाय के लिए अगर 264 स्क्वायर फीट जितनी आपको जगह चाहिए। सिमिलरली ये उसका डायग्राम है जो अगर किसी को लेआउट चाहिए तो यहाँ पर दिखाया हुआ कि जानवर की जैसा हाइट मतलब उसके लेंथ के हिसाब से 7 फीट चाहिए, 2 फीट पीछे स्पेस चाहिए कि जब खड़ा हो तब बैठे उसको थोड़ी जगह हो, आगे 3 फीट जो खिलाने की जगह है उसके लिए चाहिए। और सिमिलरली ईस्ट वेस्ट रख सकते हो आप जो मोस्ट प्रिफरेबल साइट होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के फोटो है, जैसे फॉरेन कंट्री में वो क्या करते हैं यूजुअली सेट के ऊपर ऐसा वेंटिलेटर लगा देते हैं जिससे वो हवा को स्प्रे कर सके, मतलब हाई रिजोल्यूशन फेल लगा देते हैं आप वो कर सकते हो। बाकी ये जस्ट कॉस्टली है तो हमें हमारे देसी हिसाब से जो हमें सस्ता पड़ सके हमें वही करना, ये हमारे देसी ही उपचार। देखिए सिंपल, अगर भैंस जो रखता है सभी को पता होगा कि जिस भी भैंस को अगर आप पानी में वो जब तालाब में जाती है तो उसका 1 से 1.5 लीटर दूध ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। वो क्यों होता है, एक तो भैंस का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, जब भी तालाब में जाती है तो वो हीट को अलग अच्छे से छोड़ देती है जिससे उसका शरीर ठंडा होता है। तो अगर हो सके अगर आपके पास आसपास में कुछ ऐसा है कि जैसे तालाब जैसा है कुछ थोड़ी देर उसे वहां पर ले जाइए, आप खुद महसूस करेंगे जानवर का दूध जो 5 लीटर है वो 6 लीटर पे कन्वर्ट हो गया, आप खुद को लगेगा। अगर नहीं है कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा 1 से 2 बार आप खुद निला सके, ऑलरेडी त्रिपाठी जी ने बात किया है। और एटलीस्ट अगर आप उस जानवर के ऊपर हाथ घुमाते हैं तो जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसकी वजह से हीट का भी लॉस अच्छा होता है और दूध में प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो आप वो भी कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर चंचल और डॉक्टर उमेश का धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये संबोधन किया इस महत्वपूर्ण विषय पर।